राष्ट्रीय सनातनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी सिंह अपने बयान और जनसेवा को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मदद पहुंचाने के बाद पिंकी सिंह सोमवार को पटना के राजापुल में चल रहे निःशुल्क शिक्षण संस्थान पहुंची, जहां गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री बांटकर बच्चों का मुस्कान कायम किया। पटना की राजापुल में पास की रहने वाली जिया राय नामक महिला गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षण संस्थान चलाती है, जहां गरीब और कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। संस्थान की संचालिका और संसाधन के अभाव में पढ़ रहे बच्चों के मनोबल बढ़ाने पिंकी सिंह सोमवार को संस्थान पहुंची, जहाँ बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण कर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। तरह का यहाँ पे मतलब बहुत दिक्कत है बच्चे लोगों को पढ़ने में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन मतलब इनको दिक्कत हो रहा है, तो मैं सोची कि चलो मैं भी कुछ मदद करूँ इनको, और तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बांटने के लिए और पेन और कॉपी वितरण किया है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि बैठने का व्यवस्था बच्चों का बिल्कुल नहीं है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट बार जब आऊँगी तो इनके लिए बैठने का व्यवस्था मैं करवाऊंगी जी। और मैं एक सरकार से ही मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारे सुशासन बाबू की सरकार है, आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इनके लिए हम लोग जितना भी सब दिए करें वो कम है, और ये ठीक है, प्रेरणा मिलता है ऐसे लोगों से ही कि नारी सशक्त हो रही है आज के डेट में, और मैं यही कहूँगी कि इनसे प्रेरणा लीजिए। जो इनकी नज़र में इतने सभी गरीब बच्चे की नज़र इन पे पड़ी, और आज शिक्षा के प्रति कॉपी और पेन बांटने आई हुई है, जिससे बच्चा जागरूक होंगे, पढ़ने की इच्छा जागेगी बच्चे में। इस तरह का काम कोई और भी करते रहता है, ये पहली महिला नहीं, अभी तो मेरे चैरिटी में सिर्फ ये पहली महिला है जो आई हुई है।